पटवार एसोसिएशन गांधरबल ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध के निशान के रूप में पेन डाउन स्ट्राइक जारी रखी। विरोध करने वाले पटवार वर्षों से अपने वेतन ग्रेड को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो उनकी भर्ती के दौरान उल्लेखित 2800 रुपए से घटाकर 2400 रुपए कर दी थी। हम ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट यूनिट गांधरबल पिछले 3 रोज से, आज चौथा दिन है, हम स्ट्राइक पे है। क्योंकि ये स्ट्राइक पे हम क्यों है, ये सब लोग बाखबर है इससे। ये पिछले 10 सालों से जिन मुद्दों पे हम गवर्नमेंट को मांग कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इस वक्त जुल्म हो रहा है हमारे साथ, मैं ये बातें दोहराना चाहता हूँ, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। हम आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है गवर्नमेंट, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं किया। हमसे डिजिटाइजेशन का काम लिया गया, गद्दों की तरह हमसे काम लिया गया, हमने किया, रात दिन भर काम किया हमने, लेकिन जो हमारी ग्रेड पे कई तफावत थी अभी तक दूर नहीं हो गई। लोग सफर कर रहे हैं, एक एक पटवारी 10-10 गांवों चला रहा है। हम सरकार से कहते हैं, बराई करम जहां पे एक पटवारी काम कर रहा है वहां पे और 4 पटवारी लगेंगे। आप क्यों सोच क्यों नहीं रहे हो, बराई करम आप सोचिए। लोगों को आसानी आ जाएगी, हमारी भाई तो आसानी आएगी, लेकिन बराई रास्त लोगों को आसानी आएगी। अगर आप क्रिएशन करोगे, पटवार हलके नए बनाओगे, महाराजा के टाइम आपने हलके बनाए, अभी भी वही हलके चल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आपने नए बनाए, न तहसील बनाए, नयाबतें बनाई, लेकिन हमारा वो गिरदावर सर्कल वही सही रहा। हमारे गिरदावर की ज्यूरिसडिक्शन इतनी बड़ी है कि SDM को इतनी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। रिसेंटली हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट की डिसीजन का, ऑनलाइन सर्विस उन्होंने शुरू की, हम वेलकम करते हैं, इट्स अ गुड डिसीजन। डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटल दौर चल रहा है, हम इसकी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बराए करम लोगों को तंग ना करे। एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपने 30 दिन का वक्त रखा है, जो कि एक पटवारी 5 मिनट में रिपोर्ट उसका तैयार करता है, लेकिन जो करोड़ों लाखों रुपये की जमीन खरीदता है कोई, उसके लिए आपने 10 दिन रखे। एक पटवारी को मौके पे जाना होता है, उसका सपाट करना होता है, रिकॉर्ड देखना पड़ता है, रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है, फिर गिरदावर का सपाट होता है, नायब तहसीलदार को रिकॉर्ड देखना पड़ता है, उसके लिए 10 दिन आपने रखे। ये कौन सा इंसाफ है? बराई करम आप किन से मशवरा ले रहे हो, जिन कामों पे आप ये रोज ब रोज ऑर्डर निकालते जा रहे हो, किन से मशवरा करते हो? आपकी डिमांड क्या है? हमारी बेसिक डिमांड है, ग्रेड पे तफावत हमारी है 2800 से हमारी 2400 की गई, जो कि ऑर्डर हमारा है 2800। हम चाहते हैं कि 2800 बदस्तूर रहे। और दूसरी हमारी है रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हलकाज और गिरदावर सर्कल्स। बराई करम तौसी कीजिए गिरदावर सर्कल्स की, और बैन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। जो आते हैं हम नहीं चाहते, मतलब बड़े पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन तजुर्बा, ये महकमा तजुर्बा चाहता है। आप देखिए, आप एक सर्वे कीजिए, जो भी नायब तहसीलदार डायरेक्ट रिक्रूट हुआ है उसके हाथ से कितने इंतकाल तस्दीक हुए हैं, जो भी तहसीलदार डायरेक्ट आया है उसके हाथ से कितने इंतकाल तस्दीक हुए हैं। लोग वह वाला करते हैं कि हमें काम ही नहीं होगा, कैसे काम जब वो काम जानने वाला ही नहीं है। हमारा पटवारी गिरदावर PSA क्वालिफाइड है, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम उसने क्वालिफाई किया है। आप बराए करम उसको तरक्की दीजिए, हमें मौका दीजिए। आप देखिए, सर्वे कीजिए, जहां जहां पे भी नायब तहसीलदार या तहसीलदार पटवारी से बना है वहां पे डिस्पोजल दीजिए, दिखे आप वर्क का। जहां जहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप दीजिए, वहां पे लोग सिर्फ दोहाइयां दे रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट का भला चाहते हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं। आप, हम कहते हैं क्रिएशन करो, रोजगार बढ़ेगा, हम अपना रोजगार बढ़ेगा, दूसरा कोई बंदा आ जाएगा। जहां पे एक पटवारी काम करता है वहां पे 3 पटवारी काम करेंगे, लोगों को आसानी आ जाएगी। हर रोज शिकायत होती है पटवारी नहीं मिलता है, कैसे मिलेगा जब 10-10 गांवों के लिए एक एक पटवारी मुकर्रर है, कहां पे मिलेगा? एक गांव में जाता है, 9 गांव के लोग शोर शराबा उठाते हैं, नहीं मिलता है, कहां मिलेगा? वो दूसरे गांव में गया है, 10 किलोमीटर दूर गया है। हुकामे बाला से हमारी पुरजोर गुजारिश है, आपने बहुत आश्वासन दिए हमें, बराए करम इस बार बराए करम हमारे मुतालबात, जायज मुतालबात हल करें।